नगर निगम शिमला के चुनावों की अभी घोषणा भी नहीं हो पाई है कि सत्ता पक्ष एवं विपक्ष नगर निगम चुनावों को लेकर आमने सामने आ गए हैं। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी बनाए गए विधायक सुखराम चौधरी ने सरकार और प्रशासन पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन सरकार के कहने पर शिमला से बाहर के लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्डों को 41 से घटाकर 34 कर दिया है। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो भाजपा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी। ठाकुर जी, संजीव कटवाल जी, रतन सिंह छाल जी, बलदेव तोमर जी, बलवीर वर्मा जी, विधायक चौपाल, संजय सूद जी, दिनेश दत्त जी, सुशीलाबाल, इसमें मुझे प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई। सुरेश भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हम चाहते हैं केवल कि आप नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की जो है मदद करें, ताकि परिसीमन करके उन सभी वार्डों में वोटों का संतुलित वार्ड बनाने का प्रोविजन किया गया था, वो भी सरकार ने रद्द कर दिया। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उस तरह का नगर निगम का निष्पक्ष चुनाव हो। देखिए, नगर निगम का चुनाव बिल्कुल सर पे है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और हर स्तर पे हमारी बैठकें हो रही हैं, परंतु जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उसकी नियत नगर निगम चुनाव फेयर हो साफ नहीं। साफ झलकता है जब इन्होंने नगर निगम के रूल में परिवर्तन किया, 2022 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए और उसी परिधि के लोगों के वोट बनने चाहिए जिनके वोट नहीं बनने हैं, परंतु इन्होंने उसमें रूल में प्रोविजन में एक्ट में परिवर्तन कर दिया। आज कहीं का भी व्यक्ति अपना वोट कटवा कर जो है नगर निगम के एरिया में बनवा सकता है किराएदार के रूप में, जबकि जो है हमारा जो कमीशन है वो ये कहता है कि 6 महीने तक जो है दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह वोट नहीं डाल सकता। उसका सरेआम उल्लंघन करने का इन्होंने जो है ये जो रूल में परिवर्तन किया वो किया है, और इन्होंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्ति पे वोट बनाने के लिए अधिकारियों को लगाया है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रेशर में एक एक व्यक्ति 15-15 वोट बनवा रहा है, एक एक घर में 50-50 वोट बन रहे हैं, रहे उसमें रहे नहीं है, फर्जी किराएदार दिखाकर वोटें बनाई जा रही हैं, ताकि जो बाहर के लोग हैं उनका समर्थन लेके नगर निगम पर कब्जा किया जाए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इन सारी बातों को छोड़कर साफ सुथरे तरीके से नगर निगम शिमला का चुनाव करो। हाँ जी, हम तो जो भी सरकार कहेगी उसी हिसाब से चुनाव होगा। हम चाहते हैं कि सरकार सिंबल पे चुनाव करवाए, और हमने एक 34 सदस्य कमेटी का गठन किया है, उसकी बैठक भी आज हुई है हमारी, और हम बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं। थैंक यू। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।